वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, मैं आज आपसे अपने हिबिस्कस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ, जिन्हें हम गुड़हल के नाम से जानते हैं। तो आज सुबह जब मैंने देखा कि ये बहुत ही सुंदर कलर में इसके फूल खिले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वैसे तो आजकल यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो भरे पड़े हुए हैं इन सब के बारे में, पर मैंने सोचा कि मैं भी अपनी एक जो मेरी जो नॉलेज है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आपको ये दिखाती हूँ कि इसमें कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे, 5-6 बर्ड्स इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने इस प्लांट में वर्मी कंपोस्ट और काउडंग का खाद दिया हुआ है। ज़्यादा नहीं, हर 1 या 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा ज़रूर देती हूँ मैं। तो मेरा ये प्लांट कोई 3 साल का है। और दोस्तों, मेरा ये प्लांट ग्राफ्टेड भी है, मतलब कि एक टहनी से दूसरी टहनी को जोड़ना, तो इसे ग्राफ्ट कहते हैं। ग्राफ्ट के मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस भी नहीं था, पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर कर ही देखा था, जो मुझे अभी सक्सेस मिल गया है इसमें। तो दोस्तों, आप भी ये ऐसा कुछ ना कुछ अपने गार्डन में करते रहें। एक बार या दो बार फेल हो सकता है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये जो भी मैं दिखा रही हूँ आपको, इसके पत्ते और इसके फूल जो भी गिरते हैं, मैं इसी में पॉट में ही रहने देती हूँ, जो इसके लिए सड़कर डीकम्पोस्ट होकर इसके लिए खाद बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पानी आप इसमें तभी दें जब इसकी सॉइल आपको ज़रा ड्राई लगे, और इसे पूरे दिन हमें धूप में रखना है, छांव में ये प्लांट नहीं चलेगा आपका। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।